बावत है उसके ऊपर अभी। अगर वो माफ़ी मांग लेती तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की बात नहीं है, हम सच की बात करने जा रहे हैं। सचिंदर जी, जे डब्ल्यू पायरेट में जो कुछ भी हुआ सारी दुनिया ने देखा, सब कुछ है। अब आगे के क्या कुछ प्रोसेस है, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रोसेस इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ जी, मैंने कानून का सहारा लिया और उन्होंने केस किया था जो कि एक झूठा केस था। जिस टाइम की बात और जिस वक्त की बात उन्होंने की थी उस वक्त में कहा था, सारे सबूत मैंने कोर्ट को दे दिया है और कोर्ट ने जो है सीसीटीवी फुटेज मांगा है पुलिस से, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन सच का सच सामने आ गया है, सारी चीज़ें मीडिया ने देख ली है, आपने भी देखा, मैंने दिखा दिया है। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि इस तरह की पब्लिसिटी का हथकंडा नहीं अपनाना चाहिए जिससे किसी के कैरियर पे, किसी की इज्जत पे दाग लगे। मनीषा और राखी सावंत उसके बाद से सामने आई? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, वो सामने नहीं आए, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर के संपर्क में हैं लोग। अच्छा। और प्रोड्यूसर से जब उन्होंने बात की तो प्रोड्यूसर से उन्होंने कुछ डिमांड रखा या क्या किया, या प्रोड्यूसर ने मुझे दो तीन बार बोला कि सर वो केस खत्म कर देते हैं, उनको सामने लेके आओ बैठ के बात करते हैं। लेकिन जो मेरी इज्जत पे दाग लगी या मेरे को जो बदनामी किया आपने पूरे देश के सामने चिल्ला चिल्ला के थप्पड़ मारा और पूरे मीडिया ने देश को दिखाया है, तो उसका क्या? तो उसके लिए मैं ये चाहता कि राखी सावंत जो है जिस तरह से वो इतना बड़ा हंगामा करी थी और इतना मीडिया में सामने आके बोली थी, अब मीडिया के सामने आके क्लियरिफिकेशन दे दे कि सच क्या है। और मनीषा का क्या करेंगे? मनीषा को मैं जानता नहीं, मनीषा को मैं सिर्फ बोला ना अपना नंबर है, ना उसने कभी मुझसे बात की ना मैंने कभी उससे बात की। वो दो बार मुझे राखी सावंत की फोटोशूट में मिली थी जो सच है 100%, और एक क्रोमा की शूटिंग थी उस दिन आई थी, और जिस दिन राखी सावंत की तबीयत खराब थी मैं हॉस्पिटल में देखने गया तो उस दिन उसे देखा था। मेरी उनके साथ पर्सनल कोई कन्वर्सेशन नहीं है, वो अचानक स्टेज पर कैसे आ गई ये मेरे लिए सरप्राइज था। आपने देखा होगा मैं हंस भी रहा था बिल्कुल, और राखी सावंत ने बोला कि यार एक आदमी को थप्पड़ पड़ने के बाद भी हंस रहा है, तो उसका जवाब मैं राखी सावंत को देना चाहता हूँ कि राखी जी कभी कभी होता है ना जो आदमी बड़ा होता है तो बच्चे की बचपने पे जो है ना हंसता ही है। हम संस्कारी फैमिली से हमें सिखाया जाएगा तीन आदमी से कभी उलझो मत। एक छोटा बच्चा अगर आपसे जिद कर रहा है उसको हंस के डाल दो, किसी ने शराब पी रखी हो उसे हंस के डाल दो, और कोई मेंटली डिस्टर्ब है वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो उसे हंस के डाल दो। तो मैं हंस के डाल रहा था कि मजाक मजाक हो रहा है। मैंने आपने देखा होगा स्टेज पर राखी को समझाने की भी कोशिश की, पूरी मीडिया देख रही थी, मैं उसे बाहर करने की भी कोशिश कर रहा था, मैं बोला इस प्रोग्राम के बाद बात कर लूँगा, लेकिन उसने बदतमीजी कर दी। अब ये नागवार गुजर गया, मेरे को पूरे देश ने देखा है, पूरे देश के सामने बदतमीजी की उन्होंने, मेरा पूरी परिवार आहत है इससे, पूरा परिवार दुखी है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और एक अनाउंसमेंट आपने किया कि इसके ऊपर आप फिल्म भी बनाएंगे? हाँ देखिए, मैं रियल स्टोरी पर फिल्म लिखता हूँ। नाम क्या होगा? देखिए अभी टाइटल बता देने से क्या होता है, डॉट डॉट नहीं, राखी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। एक कंट्रोवर्सी गर्ल्स के, गर्ल्स जो ऐसी हरकतें करती है या जो भी कंट्रोवर्सी के लिए कहाँ तक जा सकती है, वैसी एक कहानी होगी। कि तीन दिन जब मैं मीडिया से गायब रहा तो तीन दिन तक राइटर खाली बैठता नहीं, तो मेरे दिमाग में वो कहानी चल रही थी कि कैसे इसे लेके आऊँ। तो मुंबई कैंट डांस के बाद मैं जल्दी ही उसे शुरू कर रहा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे मिल गए, हम सब्जेक्ट की तलाश में थे, शायद ये होना था, एक सब्जेक्ट मिला था। अच्छा। जिससे एक रियलिटी सामने आई है। थैंक यू।